हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए एक और खुशखबरी है कि मीन्स एक और एयरफोर्स स्टेशन ने अपने रिजल्ट लिस्ट को जारी कर दिया, बल्कि एक नहीं दो एयरफोर्स स्टेशन के बारे में मैं इस वीडियो में आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, एक रिजल्ट देने वाला हूँ, जिससे कि आप भी संतोषजनक स्थिति में पहुँच पाओगे, ताकि काफ़ी दिनों से आप इस एयरफोर्स स्टेशन के रिगार्डिंग रिजल्ट का आप वेट कर रहे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से एयरफोर्स स्टेशन ने अपने रिजल्ट लिस्ट को जारी किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन के ऊपर एक एयरफोर्स स्टेशन का रिजल्ट है। तो ये कौन से एयरफोर्स स्टेशन का रिजल्ट है? तो दोस्तों यहां पर जो रिजल्ट लिस्ट आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये आपका एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर के रिजल्ट लिस्ट है। यानी एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे और परेशान थे रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो उनका जो फाइनल रिजल्ट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। दोस्तों इनका एग्जामिनेशन जो था ये 3-9 अप्रैल के बीच में जो इनका एडवर्टाइजमेंट आया था उसका एग्जामिनेशन है, और उसी का ये फाइनल रिजल्ट लिस्ट आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। तो इसमें से कौन कौन से ट्रेड्स के आपके रिजल्ट लिस्ट को जारी किया गया है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट लिस्ट आपकी काफ़ी लंबी है, तो इसमें ट्रेड्स के बारे में हम जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर के लिए, तो उनमें से आपके सबसे पहले कुक ट्रेड के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे उनका जो रिजल्ट लिस्ट है उसको जारी कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों दूसरे नंबर पर है LDC कैटेगरी के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया था यहाँ पर, तो आपका रिजल्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अगर आपने मेस स्टाफ के लिए अप्लाई किया था, तो मेस स्टाफ वाले कैंडिडेट्स की भी जो रिजल्ट लिस्ट है उसको जारी कर दी गई है। चौथे नंबर पर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ मैं, तो CMTD यानी CMTD जो ड्राइवर पोस्ट के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे उनकी भी रिजल्ट लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। और पाँचवें नंबर पर दोस्तों जो सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के भी यहाँ पर एक वैकेंसी थी, तो उसकी भी रिजल्ट लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो अगर आपने इन ट्रेड्स पर जो मैंने बताया यहाँ पर लगभग 4 या 5 ट्रेड्स के आपके जो रिजल्ट है एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर की, इसको जारी कर दिया गया है। पहला है कुक, दूसरा है LDC, तीसरा है मेस स्टाफ, चौथा है CMTD और पांचवा है आपका सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर। तो आपका दोस्तों जो एयरफोर्स स्टेशन इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बैंगलोर है उसकी आपका रिजल्ट लिस्ट लग चुकी है। आपको ये रिजल्ट लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ में दोस्तों आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग एक और अपडेट मैं देने वाला था, जो दे दूँ दूसरे एयरफोर्स स्टेशन के बारे में, कि जो भी लोग अप्लाई किए थे एयरफोर्स स्टेशन कानपुर के लिए, तो कानपुर वालों का जो फाइनल कॉल लेटर है ये उनका इशू हो रहा है। ठीक है, ये उनका इशू होना शुरू हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट्स को मिल भी गया है। अगर आपका अभी तक नहीं मिला है तो आप अपने पोस्ट ऑफिस से जाकर के जरूर इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस में आपका हो सकता है कि फंसा होगा। इसी के साथ दोस्तों एक और अपडेट दे दूं मैं आपको, कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे एयरफोर्स स्टेशन गुरुग्राम के लिए और उनका एग्जामिनेशन 18 तारीख को हुआ था, ठीक है, 18 जनवरी को, और उनका एम्प्टी स्ट्रेट था अगर, तो उनका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है दोस्त आपकी लग चुकी है, और उनके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका एग्जामिनेशन जो है ये आपका 7 फरवरी से स्टार्ट है। यानी उनका स्किल टेस्ट 7 फरवरी से स्टार्ट है और उनके जो कॉल लेटर है ये भी आना शुरू हो गया। तो अगर आपने भी अप्लाई किया था एयरफोर्स स्टेशन गुरुग्राम के लिए और आपने एग्जामिनेशन दिया था 18 जनवरी को एम्प्टी स्ट्रेट का, तो आपका 7 फरवरी से स्किल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यही थे कुछ बेसिक अपडेट्स आपके 2-3 एयरफोर्स स्टेशन के रिगार्डिंग। इससे पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स अमला एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई किए थे उनके कॉल लेटर को आने में प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि कॉल लेटर उनका इशू किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरा कॉल लेटर नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्त इसमें आपको करना होगा कि आपको अपने पोस्ट ऑफिस से जरूर जानकारी इसके बारे में लेनी होगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हो सकता है कि आपका कॉल लेटर फंसा हो, या फिर आप डायरेक्ट एयरफोर्स स्टेशन अमला कॉल कर करके वहाँ से जानकारी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।